हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग का रीट पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है, मैं भी यही चाहती हूँ कि सबसे पहले जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग मिले और लास्ट में जो है नंबर आए रीट के बच्चों का। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसकी वजह है। देखिए, सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है, सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड के बच्चों का हुआ, उसके बाद सेकंड ग्रेड और लास्ट में थर्ड ग्रेड के बच्चों का नंबर आया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्चा जिसने फर्स्ट ग्रेड का भी फॉर्म डाला था, एग्ज़ाम दिया, सेकंड ग्रेड का भी डाला और थर्ड ग्रेड का भी डाला, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसका जो है इन तीनों में ही जो है वो नंबर आ गया। यदि सरकार जो है वो थर्ड ग्रेड जो है इसमें ज्वाइनिंग पहले करा देगी बच्चों की, तो यहाँ पर वो बच्चा जो है थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग जो है वो ज़रूर लेगा। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में जो है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग करवाएगी, तो ये जो बच्चा था जिसने थर्ड ग्रेड में जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग ली थी, तो यहाँ से जो है वो छोड़ देगा और वो अच्छी जो जॉब है यानी फर्स्ट ग्रेड की जॉब जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो उसने ये सीट जो है वो क्या कर दी, खराब कर दी। ठीक है, और ये जो सीट है जो कि एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही थी, आप इस चीज़ को जो है वो समझ पा रहे हैं। यदि सरकार जो है सबसे पहले सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग करवा देती है, तो वह जो बच्चा जो कि इंटेलिजेंट है, काफ़ी बच्चे जिनका नंबर जो है सेकंड ग्रेड में आ रहा है, थर्ड ग्रेड में भी आ जाएगा उनका। ठीक है, तो वह थर्ड ग्रेड की बजाय सेकंड ग्रेड में जो है ज्वाइनिंग लेना पसंद करेगा। तब भी उसने थर्ड ग्रेड में एक सीट जो है वो ख़राब कर दी, यानी कि एक बच्चा जिसका तीनों में जो है वो नंबर आ रहा है, वह दो सीट जो है वो ख़राब तो कर ही रहा है, और ये दो सीट जो है वो उन दो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है जिनका एक मार्क्स जो है वो कम रह गया है और वो जो है ज्वाइनिंग नहीं ले पाए। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड का, तो ज्वाइनिंग पहले इनको मिलनी चाहिए, फिर सेकंड ग्रेड वालों को और लास्ट में थर्ड ग्रेड वालों को मिलनी चाहिए। यदि इस तरीके से होता है तो कंपटीशन जो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों का तीनों में सिलेक्शन हो रहा था तो वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है कंपटीशन कम हो जाएगा और जो कम अंक जिनके आ रहे हैं बच्चों के, इनको जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है, आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही होगी। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर मेरिट मेरिट जो है वह अपने आप ही जो है वो 10 से 20 अंक जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है किनको मिलेगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेवल टू वाले बच्चों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेवल टू वाले बच्चे यानी जिन्होंने बीएड किया है, उन्होंने ही लेवल टू का एग्ज़ाम दिया है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यहाँ पर वो लोग चले जाएंगे, यहाँ पर सीट जो है वो खुद ही जो है वो यहाँ पर रह जाएंगी खाली। ठीक है, और अगर हम कहें तो फर्स्ट ग्रेड में जो है हम देखते हैं कि मैथ साइंस के जो हैं अलग अलग जो हैं वो वैकेंसी थी, तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस इन बच्चों को जो है वो फ़ायदा मिलेगा, यानी कि लेवल टू में मैथ साइंस की जो सीटें हैं काफ़ी यहाँ पर रह जाएंगी खाली। ठीक है, पांचवी बात क्या है कि जो लेवल वन वाले हैं इनकी भी कट ऑफ जो है वह 10 अंक तक जो है वो कम हो जाएगी। ओवरऑल हम बात करें कि जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है उस तरीके से अगर यहाँ ज्वाइनिंग मिलती है तो यहाँ पर रीट के बच्चों को बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। अब मैं यहाँ पर जो है वो कट ऑफ नहीं बताऊँगी आप लोगों को कि कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ बिना आंसर की देखे और कट ऑफ को बताना, ठीक है, अंदाजे से बताना ये गलत है। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर हम देखें कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई है उसके अकॉर्डिंग इस बार कितनी जाएगी, देखो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पेपर है उसका अगर हम लेवल देखें तो लास्ट ईयर जैसा था इस बार ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो है वो कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। जो भी बता रहे हैं तो वो अपनी समझ के अनुसार बता रहे हैं, बट मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है, जब तक आंसर की नहीं आ जाती। तो अब इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर क्या निकल कर आती है कि हमें प्रयास जो है ये करना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के बच्चों को जो है जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, तभी जिन बच्चों के एक दो मार्क्स जो हैं वो कम रह गए हैं या उनको लगता है कि हमारा जो है वो नंबर नहीं आएगा, उनको फ़ायदा होगा।
ठीक है, और उनको फायदा बहुत होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो है, जो बच्चे अभी भी टेंशन में हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारा नंबर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, इस बारे में तो अब आप सोचिए मत, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हो चुका है, मार्क्स आप लोगों को पता लग ही चुके हैं, आंसर की अभी आई नहीं है, अभी तो आपकी जो है वो ऑफिशियल जो है वो आंसर की आएगी, उसके बाद जो है वो आपत्तियां जो है मांगी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो भी कट ऑफ बता रहे हैं, किस बेस पर बता रहे हैं मुझे नहीं पता। यदि वो ये सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसको लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, तो इस बार जो है कितनी कट ऑफ जाएगी, इस बेस पर बता रहे हैं, तब भी गलत है। क्योंकि अगर हम पिछले साल का पेपर उठाकर देखते हैं तो इस बार का पेपर जो है थोड़ा सा कठिन रहा है। तो इस तरीके से हम जो है कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि कट ऑफ के चक्कर में आप बिल्कुल ना रहें, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि अगर आप इन्हीं बातों में लगे रहेंगे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है आप लोगों के लिए, कि जो भी आपके सामने आ रहा है, जो भी वैकेंसी जो है वो, काफ़ी वैकेंसी जो है वो अब आने वाली हैं, बिल्कुल आएंगी इस साल, आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, मेहनत जो है वो आप कर ही रहे हैं, बस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जो है आप उस तरीके से नहीं कर पाए एग्ज़ाम अटेंड जिस तरीके से आपको करना चाहिए था। और जो भी बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती है, केवल जो है जब आंसर देखते हैं तब उनको लगता है अरे हमें तो ये वाला आंसर करना चाहिए था, बट हमने ये वाला कर दिया, ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है कि वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। तैयारी में आपके बिल्कुल कमी नहीं थी। तो जब तैयारी में कमी नहीं थी तो आगे जो आने वाली वैकेंसी हैं आपको इन पर फोकस करना चाहिए बजाय कट ऑफ के, और इस बारे में प्रयास करना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो है इन बच्चों को ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी मिल जाए, जिससे कि हमारा भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो बच्चे अभी भी टेंशन में हैं कि मार्क्स जो हैं वो कम रह गए, मार्क्स जो हैं कम रह गए, अब क्या करें, तो अब आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। क्या आप कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको तो पढ़ाई आती है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, अभी भी आप जो हैं आगे बढ़ सकते हो, और पीछे जो भी हुआ है उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हो, तो आगे बदलाव जो है वो लाएं, अपने कॉन्फिडेंस जो है उसको इकट्ठा करें आगे के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो वीडियो था, ये मेरा यही बताना था आप लोगों के लिए कि अभी जो है, जो बच्चे अभी भी जो हैं वो हताश हैं, परेशान हैं, और ये सोचते हैं कि अब जो है हम नहीं पढ़ सकते, आप खुद ही सोचिए, अगर आप अभी से ही बोलेंगे कि हम जो है वो पढ़ नहीं सकते, जब आप पढ़ नहीं सकते तो आप जो है वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाने के लिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, जब तक आप जो है वो टीचर रहेंगे, आपको पढ़ना होगा। एक अच्छा टीचर वही होता है जो हमेशा पढ़ता है, तो आपको तो पढ़ना ही है, तो आप पढ़ाई छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल किसी को नहीं बोलना है कि अब हमसे जो है वो पढ़ा नहीं जाता, पढ़ना तो आपको जीवन भर है, आप ज्वाइनिंग ले लेंगे तब भी आपको पढ़ना ही है, पढ़कर ही आप जो है वो पढ़ा पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोग जो है समझिए इस चीज़ को, और जो भी आप लोगों ने तैयारी की है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी करके आप लोग जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब जो है आपकी नौकरी की बारी है, किसी को थोड़ा पहले मिलेगी और किसी को थोड़ा सा देर में मिलेगी, बस इतना ही जो है होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहिए।